मैंने अभी तक देखा कि मालवीय जी की कोई मतलब मूर्ति या फिर पोस्टर नहीं लगे, इस पर क्या मानते हैं? हमारे यहाँ हर युग में समागम के द्वारा ही संस्कृतियों का मेल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज, मैं हूँ अशोक पांडे। अभी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में काशी तमिल संगमम के एमपी थिएटर ग्राउंड पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एक गुरुजी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे कि महाराज जी आप अपना परिचय बताइए। डॉक्टर सुभाष पांडे, ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और यह अलौकिक दृश्य है जो काशी तमिल संगमम जो हो रहा है इस समय, या एक विश्व पटल पर काशी की एक गरिमा उद्धृत हो रही है तमिल संस्कृति के साथ। आज दो जगहों की जब संस्कृति का और दो जगहों के उनके कृतियों का जब विवेचन होता है, तुलना होता है, तो एक बहुत बड़ा तीसरा आयाम निकल करके आता है। तो यह हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा यह अद्भुत यह कार्य किया जा रहा है जो आज तक काशी की धरती पर देखने को नहीं मिला, जो काशी तमिल संगमम जो होने जा रहा है। ऐसे कई राज्यों में इसको किया जाएगा, यह पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम है, लेकिन यह बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहीं से इसका प्रारंभ हो रहा है। आज दो संस्कृतियों के मेल से, उनके संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनके धर्म ग्रंथों में जो एक दूसरे के पूरक हैं, उनके दूसरे के सोचने के, समझने की और रिसर्च वर्क करने के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये हमारे विश्व स्तर का विश्वविद्यालय है, इससे शोध कार्यों में बहुत प्रगति मिलेगी। और जो हमारे छात्र हैं इस विश्वविद्यालय के, उन छात्रों को बड़ा सहयोग मिलेगा दो संस्कृतियों के बारे में जानने का। अच्छा, बात करें गुरु जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बनारस को ऐसा क्यों चुना? क्योंकि देखिए, उत्तर भारतीय जो है हिंदी बोलते हैं, दक्षिण भारतीय तमिल मतलब बोलते हैं, तो इसमें कैसे समागम होगा, कैसे दोनों दो संस्कृति कैसे? हमारे यहाँ हर युग में समागम के द्वारा ही संस्कृतियों का मेल होता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जंगल में गए, वहाँ के संस्कृतियों को देखे, उसके बाद पहाड़ों पर गए, बंदरों को साथ में लिए, दो प्रजातियों को एक साथ मिलाए, ये तो मेरा हम एक ही प्रजाति हैं। और उसके बाद यहाँ तक नहीं हुआ तो साउथ में जा कर के, श्रीलंका वगैरह में, वहाँ के संस्कृतियों को, वहाँ के सभ्यताओं को देखा। तो ये बहुत प्राचीन काल से संस्कृति का संगम आ रहा है। ये अलग बात है कि इस युग में या प्रधानमंत्री जी के मन में यह उत्कंठा जागृत हुई है कि इस युग में भी दो संस्कृतियों का मेल होने जा रहा है। अच्छा, बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के कार्यक्रम कर, क्या लगता है कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम कराने चाहिए? ऐसे पूरे राज्य में एक दूसरे राज्य को जोड़ करके, अगर जब तक उनका संस्कृति का समन्वय एक साथ यदि होगा, तो निश्चित रूप से दोनों राज्यों का विकास होगा। जो दो राज्यों के साथ, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में जो दो ग्रंथों को एक साथ जब तुलना किया जाता है और उनकी जो विशेषता प्रकट की जाती है, तो एक तीसरा जो आयाम निकल के आता है वो एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क होता है। उसी प्रकार से दो राज्यों के, नॉर्थ और साउथ के, जब इनके संगम होगा और दोनों के संस्कृतियों से, धर्म ग्रंथों से जब हम परिचित होंगे, तो एक हमारा उज्जवल भविष्य पूरा विश्व पटल पर उद्धृत होगा। अरे, बात करें तो साउथ में हम लोग अगर जो हिंदी भारी उत्तर भारतीय जाते हैं, साउथ में अगर हम लोग चेन्नई के आसपास जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो हिंदी वालों से कट्टर दुश्मनी, मतलब एक विरोधाभास उनको दिखने को मिलता है। भाषा का केवल अंतर है, तमिल में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं लगभग संस्कृत में है और तमिल भाषा में है। हमारे यहाँ रामायण भी लिखा गया तो कम्ब रामायण जो लिखा गया वहाँ तमिल में लिखा गया, यहाँ पर श्री रामचरितमानस लिखा गया, इससे पहले तमिल में हुआ। तो हमारे संस्कृतियों का अगर संगमम जो हो रहा है, वो जितने भारतीय संस्कृति हैं या वेद पुराण जो संरक्षित हैं इस समय, तो दक्षिण में ज़्यादा हैं उत्तर की अपेक्षा। तो उन लोगों के आने के बाद उनके जो हमारे धर्म ग्रंथों को उन भाषाओं में अनुवाद किया गया है, पुनः उसको जान करके हम लोग हिंदी भाषा में उसका अनुवाद होगा। वहाँ संस्कृत है, यहाँ भी संस्कृत है, तो काशी एक संस्कृत की नगरी है और प्राचीन नगरी है। तो
संस्कृत के साथ माध्यम से, इसलिए कि दोनों का मूल भाषा संस्कृत ही है। काशी की भी मूल भाषा संस्कृत है और तमिल की भी मूल भाषा संस्कृत है, तो दोनों को मिला के करने में हमें नहीं लगता है कि भाषा का जो अंतर है वो भी दूर होगा और सभ्यता संस्कृति में कोई बहुत अंतर नहीं। कहने का मतलब भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन भावनाएं जो है सब एक है, एक ही। अच्छा गुरु जी, हमारा एक मतलब दो तीखा थोड़ा सा प्रश्न होगा, कहने को ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में ये इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मैंने जो मैं भी लगातार इसमें आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, तो मैंने अभी तक देखा है कि मालवीय जी की कोई मतलब मूर्ति या फिर पोस्टर नहीं लगे, इस पर क्या मानते हैं? ऐसा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी कण कण में हैं, यहाँ सबके हृदय में बसे हुए हैं, और पोस्टर लगाना ये पूरा विश्वविद्यालय मालवीय जी का है। अभी देखिए कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें मालवीय जी के मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ, तो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो मालवीय जी हम लोगों के हृदय में है और मालवीय जी देव पुरुष हैं। ये बात गुरु जी हम और आप काशी के लोग या फिर उत्तर प्रदेश के लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो तमिल से आ रहा है, दक्षिण भारत से आ रहा है, वो कैसे समझेगा कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में आ रहे हैं और ये मतलब उनका इतिहास कैसे समझेगा? नहीं, उसको तो काश यहाँ मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र बनाया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, केवल मालवीय जी के बारे में जानने के, उनके कृतियों को पढ़ने के लिए, उससे भी हो सकता है। और यहाँ जो विश्वविद्यालय एक अपने आप में मालवीय जी के नाम से ही है, तो हमें नहीं लगता है कि पोस्टर किसी नेता के साथ पोस्टर छपवा देने से मालवीय माने उस नेता का कद बड़ा होगा, मालवीय जी का कद तो अपने आप में बड़ा हुआ है, तो किसी नेता के साथ मालवीय जी का फोटो चिपका देने से उनका कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि मालवीय जी आत्मसात हैं। अच्छा एक और आखिरी गुरु जी, चूँकि यहाँ पे लोकल लोग मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या मानते हैं मतलब क्या साधन न होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं या और की है? लोग आ भी रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय में इस समय परीक्षाएं चल रही हैं तो छात्र उसमें व्यस्त हैं, नहीं तो यहाँ तो हमेशा भीड़ लगी रहती। अब छात्र परीक्षा का समय हुआ है तो बच्चे एग्जाम अपना सेमेस्टर का दे रहे हैं, और बाकी शहर के जो लोग हैं वो प्रतिदिन आ रहे हैं, इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा विस्तार है कि लोग आ रहे हैं। अब इस किसी भी संस्कृति को, सभ्यता को ये दो चार दिन पाँच दिन में उत्सव के रूप में समझने में नहीं लगेगा, होगा क्या कि जब एक महीना ये चलेगा तो एक दूसरे के बारे में आचार विचार व्यवहार सबसे परिचित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये थे गुरु जी हमारे साथ, अभी हम लोग काशी तमिल संगमम में मौजूद थे, तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।